जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का भाग करने वाले हैं, और ये जो हिंदी का भाग है वह आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से है, और ये जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है वह है SSC GD कॉन्स्टेबल का, और ये जो पेपर है वह आपके विभिन्न एग्जाम में उपयोगी सिद्ध होगा, चाहे आप ट्रेडमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कहां कहां पर काम आएगा? आपके CISF, BSF, CRPF, असम राइफल, ITBP, NIA और SSB के विभिन्न परीक्षा में काम आएगा। इन सभी परीक्षा में इसी प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 23 करते हैं, जो कि SSC GD 23 नवंबर 2011 के प्रथम पाली से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है? मेरे आंसू से रुमाल भींग गया। यहां पर क्या होना चाहिए था? मेरे आंसुओं से रुमाल भींग गया। यहां पर आंसुओं का प्रयोग होना चाहिए था, तब जाकर यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध होता। तो त्रुटि आपको पता चल गया ए वाले में, है ना? तो आंसुओं से ढूंढिए, देखिए कहां दिया गया है, मेरे आंसुओं से किसी बदलाव कर सकता नहीं, मेरे आंसुओं से, ठीक है, आंसुओं से, सौ हर्षुकार वाला, और यहां पर देखिए सौ त्रिभुकार वाला है, तो सौ हर्षुकार वाला होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो गया। दूसरा आपको दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? जिसका मूल्य न लगाया जा सके। ऐसी चीजें जिसका हम मूल्य नहीं लगा पाते हैं वह क्या जाता है? अमूल्य। ठीक है, तो अमूल्य आपको ढूंढना है, ए में ही दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए यहां पर, आगे बढ़े। तीसरा आपको दे दिया, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। विद्यार्थियों को नहीं, विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। ठीक है, तो के लिए ढूंढिए, ये देखिए यहां पर दिया गया है डी में, तो उत्तर आपका थर्ड का डी हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। चौथा आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? हमारे अध्ययन अध्यापन का डैश हिंदी है, अध्ययन अध्यापन का माध्यम, मीडियम कहते हैं ना आप, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो हमारा जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है वह हिंदी है, तो माध्यम यहां पर आएगा, हमारे अध्ययन अध्यापन का माध्यम हिंदी है। ठीक है, तो फोर का उत्तर आपका ए हो जाएगा, माध्यम। समझ गए यहां तक, आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो किसी मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। क्या दिया गया है? चादर से बाहर पैर पसारना। देखिए आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, तैते पांव पसारिए जैते लंबी सैर। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी आय हो उसी के अनुसार व्यय भी होना चाहिए। ठीक है, आय से अधिक नहीं। और यहां पर क्या दे दिया? चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब कमाई से ज्यादा खर्च कर लेना। ठीक है, ये चीज यहां पे आपका आ गया, तो यहां पर आय से अधिक व्यय करना, ये चीज होगा ना, तो इसे ढूंढना है आपको, आय से अधिक व्यय करना, जो कि यहां पर डी में दिया गया है। मिल गया आपको, तो फाइव का उत्तर क्या हो जाएगा? फाइव का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। छठा आपको दिया गया है, करुण का विलोम शब्द बताना है। करुण के बारे में पहले बताइए, करुण कैसी स्थिति होती है? तो ये दया की भावना होती है, और वो दया की भावना तब आती है जब आप सामने वाले को किसी कष्ट में देखते हो, तो वहां से जो भावना निकल कर आती है दया की, वह कहलाता है करुण। तो ठीक इसका विपरीत क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा, जहां पर दया की भावना बिल्कुल भी नहीं आती, क्रूरता की भावना आती है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आपका, करुण का विलोम आपका निष्ठुर होगा। तो निष्ठुर कहां दिया गया है, ये आपके डी में दिया गया है, तो सिक्स का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यहां पर वाक्य है आपका, मेरा इस बातों में विश्वास नहीं रहा। क्या ये जो विश्वास लिखा हुआ है वह सही है? विश्वास कैसे लिखते हो, वह हर्षी का शौवर सिंदूक आ का, और ये ठीक है, यहां पर ये निशानी होगा, तालव्य शौ होगा। ठीक है, जब तालव्य शौ का प्रयोग करेंगे तब जाकर आपका विश्वास सही होगा। तो यहां पर ये शब्द गलत है ना, त्रुटिपूर्ण है, तो इसे ढूंढिए। ये आपके देखिए डी में दिया गया है, तो सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए यहां तक, आगे बढ़े। आठवां आपका दिया गया है विहंग, विहंग का पर्यायवाची क्या सब होगा बताइए जल्दी से। तो इसका पर्यायवाची सबसे पहले खग, ठीक है, खग लिख लो, उसके बाद क्या लिखोगे, चिड़िया लिख लोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, नवचर लिख लो, उसके बाद पक्षी लिख लो, उसके बाद पखेरु, काफी है, इत्यादि लिख दो, इनमें से ही ढूंढ लो, एक ना एक होगा ही। बान, सुंदर, पेड़ और पक्षी, पक्षी आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एट का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए यहां तक, आगे बढ़े। नौमा आपको दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा डैश है। देखिए इसको कलंक माना जाता है, ठीक है, कलंक माना जाता है, ये दहेज प्रथा जो है यह कलंक है। और दहेज प्रथा की वजह क्या है, वजह है जब अपने से उच्च में प्रवेश करते हैं, उस चीज को खत्म करो, आप भी शिक्षित रहो और जो आप साथी ढूंढते हो वह भी शिक्षित पाओ, दहेज प्रथा को खत्म करो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका उत्तर, नौवें का उत्तर सी हो जाएगा, कलंक। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। ठीक है, तो नाइन का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। समझ गए यहां तक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। दसवां आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्या दिया गया है, कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही, ये देखिए ज्यों ही आप तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर ज्यों ही की जगह जैसे ही आएगा। यदि आपने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, क्योंकि यह कहानी वहीं से ली गई है, और उसमें दिया गया है कौवे ने गाना सुनाने के लिए जैसे ही उसकी चोंच खोली रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। तो त्रुटि आपके इस भाग में है, ठीक है, ये गारंटी है, तो इसको आपको ढूंढना है। कहाँ दिया गया है, ज्यों ही वाला आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां आपका दिया गया है, बहुत काम करते रहने वाला, ऐसा व्यक्ति जो बहुत काम करता है, इसके लिए हमें एक शब्द देना है, तो बहुत काम करते रहने वाला व्यक्ति कर्मठ कहलाता है। कहा जाता है ना कि राज जो है यह कर्मठ व्यक्ति है, यह हमेशा कार्य में लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 11 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है, कांति, तो कांति का समानार्थी बताइए, दीप्ति हो जाता है, आभा हो जाता है, ओज हो जाता है, दमक हो जाता है, चमक भी कह सकते हैं आप इसको, जगमगाहट भी कह सकते हैं, इत्यादि। तो इनमें से ढूंढिए, कोई एक दिया गया है, तुषार, ओज, ओज दिया गया है बी में, इसलिए 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक, आगे बढ़े। 13वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है, बरसात के 4 महीने, तो बरसात के जो 4 महीने होते हैं उसको चतुर्थ मास्य बोला जाता है। ठीक है, चतुर्थ मास, ये देखिए सी में दिया गया है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, कूच कर जाना, ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का हमें सही अर्थ व्यक्त करना है, तो कूच कर जाना मतलब होता है मर जाना। ठीक है, कूच कर जाना मतलब मर जाना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है और यहां पर सही वर्तनी वाले शब्द का पता करना है, और शब्द क्या है, यह है आपका पूजनीय। पौद्रघुकार जौ, नौद्रघिकार यौ, ये होता है पूजनीय। ठीक है, जिसका सम्मान हो, पूजा किया जा सके, उसको कहते हैं पूजनीय। तो ये आपको ढूंढना है, ये आपके देखिए सी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े, 16वां आपको दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है और यहां पर कार्यक्रम दिया गया है। ठीक है, कार्यक्रम, कार्य क्रम यही होता है ना, इसे ढूंढिए आप। तो कार्यक्रम आपके देखिए ए में ही दे दिया गया है ना, ये ए वाला ही सही है, तो 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए यहां तक, आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, नोक की जगह आप धार का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, धार पर चलना है, तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 18वां आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्या दिया गया है, आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। देखिए यहां पर जो त्रुटि दिया गया है वो इसमें दिया गया है, सबसे को अलग अलग लिख दिया गया। ठीक है, सबसे सुंदर कौन है, ये त्रुटिपूर्ण है सबसे, तो ये वाला आपको हिस्सा ढूंढना है, सबसे वाला डी में दिया गया है, तो 18 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए यहां पर। 19वां आपको दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या दिया गया है, अधिकांश, तो अधिकांश का क्या हो जाएगा उल्टा, अल्पांश, अधिकांश अल्पांश, अल्पांश आपके बी में है, तो 19 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 20 का उत्तर दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है, आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया, बात कविता पत्र चिट्ठी। अब यहां पर देखिए पत्र और चिट्ठी, ठीक है, तो यहां पर क्या प्रयोग होगा, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, चिट्ठी तो हम नहीं लिखेंगे, चिट्ठी जो है यह पत्र का पर्यायवाची है, लेकिन यहां पर पत्र का प्रयोग होगा, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 20 का सी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक गाद्यांश दिया गया है, इस गाद्यांश में कुछ खाली स्थान है तो हमें उसको भरना है, तो क्या दिया गया है, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और डैश हैं, क्या होगा, खिड़कीदार, वायुदार, प्रकाशदार, हवादार, क्या होना चाहिए, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हवादार हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, तो हवादार डी में दिया गया है, तो 21 का उत्तर डी हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश का पूरा डैश है, तो प्रकाश का पूरा प्रबंध, ठीक है, वहां पर प्रकाश आ रही है, इसका प्रबंध किया गया है, तो प्रकाश का पूरा प्रबंध है, तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 23 दिया गया है, खिड़कियां काफी हैं, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत डैश आता है, आनंद, कहते हैं मजा आ गया, तो मजा आ गया उसको क्या बोलोगे, एक शाब्दिक शब्द में, तो उसको बोलोगे आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद आ गया। ठीक है, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में आनंद आता है, तो 23 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां सब काम ठीक समय पर डैश ढंग से होता है, नियम, नियमित, अनियमित, तरतीब, क्या हो जाएगा, यहां पर सब काम समय पर नियमित ढंग से होता है। ठीक है, एक तौर तरीका फिक्स है, उसी के अनुसार होता है, तो उसको बोला जाता है नियमित ढंग, जो चीज आप लगातार करते हो उसी समय पर करते हो उसको नियमित बोला जाता है। ठीक है, तो 24 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, एक नियम के अनुसार। आगे बढ़िए, लास्ट नंबर क्या दिया गया है, खाने की भी खूब अच्छी डैश है, तो खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए, अब आपका आज का सवाल है, सवाल क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है, मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का डैश है, समय, अनुभव, प्रयास और अभ्यास, इसमें से कोई एक सही है, जो सही है उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।